नहीं हो सकता। और धोखेबाज, आपने इतना बड़ा धोखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार जो के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे के हरीम और फायद का होगा आमना सामना। लाइबा की सास जो के कशा बेगम को कह चुकी है के डेकोरेशन वो खुद करवाएगी, आपका काम जस्ट पेमेंट करना है, और वो डेकोरेट करने के लिए मुदस्सर से राबता करेंगी, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मुदस्सर ने दिया था हरीम को डेकोरेट करने के लिए वो होगा लाइबा की शादी का। हरीम का सामना होगा वहाँ फायद से। फायद को सामने देख के हरीम की आंखों में आ जाएंगे आंसू। जब लाइबा हरीम को देखेगी अपनी माँ से पूछेगी कि ये यहाँ क्या कर रही है। कहकशां बेगम जवाब देगी कि ये काली बिल्ली की तरह हमेशा रास्ता काट जाती है। जितना भी कोशिश कर रही हूँ कि फायद की जिंदगी से इसको दूर करने के लिए, लेकिन ये फिर भी फायद की सामने आ ही जाती है। मजीद हम देखेंगे कि कहकशां बेगम जाकर वहाँ बदतमीजी करेगी हरीम से कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, और वहाँ से मुदस्सर कहेगा कि एक्सक्यूज मी मैडम, इस सेंटेंस से आप कैसे बात कर रही है। कहकशां बेगा में जिनका गुरु टूटने में ही नहीं आ रहा, जिन हालात से वो गुजर रही थी उसको चाहिए था कि उन हालात से वो सबक हासिल करती, लेकिन अफसोस उन्होंने इन सब से कुछ भी न सीखा। मजीद हम देखेंगे कि फाइल के मैनेजर ने जब उनको बताया था कि हमारी कंपनी के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट की तस्दीक के लिए कुछ गवर्नमेंट के बंदे और मीडिया के कुछ लोग तस्वीरें ले गई है ऑफिस की, तो लाइबा के निकाह के टाइम पुलिस वहाँ आ जाएगी, पकड़ कर लेकर जाएगी उसके बाप को। लाइबा की सास जो सब कुछ पहले ही ये सब कुछ जान चुकी थी, उसने इस निकाह से ही इनकार कर दिया कि मैं लाइबा का निकाह अपने बेटे से नहीं करवा सकती क्योंकि ये करप्ट लोग हैं। कहकशां की बेटी का निकाह गया तो रुक, और मियां भी अब गया जेल, एक बेटा तो पहले ही बाहर जा चुका है। रही लाइबा की खुशियां, वो भी हो गई बर्बाद। अब रह गया फायद जिसकी खुशियां पहले कहकशां बेगम बर्बाद कर चुकी हैं। तो नाजरीन आपको क्या लगता है, इतना कुछ हो जाने के बाद क्या कहकशां बेगम कुछ नसीहत पकड़ेंगी या लुटा देंगी फायद को फायद की खुशियां। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।